तो आपको प्रेरित कैसे किया जाए? देखिए, जब आपकी कार स्टार्ट नहीं होती तो किसी को धक्का लगाना पड़ता है। एक बार ये चलने लग गई, उसके बाद हमें इसे धकेलते रहना नहीं पड़ता, ये अपने आप चलेगी। हम आपको ऐसे तरीके सिखा सकते हैं, जब आप इन्हें खुद का एक हिस्सा मानने लग जाएंगे तभी आपको प्रज्वलित कर देंगे। नमस्कारम सतगुरु, मैं जीवन में बहुत सी चीज़ें करना चाहती हूँ पर मैं आलसी हूँ। मैं कैसे इस आलस से छुटकारा पाकर हमेशा प्रेरित रहूँ? आपको किसी के प्रेम में पड़ना पड़ेगा या किसी चीज के। अगर आपको कोई नहीं मिला तो आपको किसी चीज से प्रेम करना पड़ेगा। कोई चीज जो आपके लिए कुछ मायने रखती हो, तब आप सुबह उठेंगे। कुछ भी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता तो सुबह उठने की वजह क्या होगी? प्रेम कैसे हो? जब पहली बार शिव योग सिखाना चाहते थे तो उनकी पहली शिष्य, जो कि उनकी ही पत्नी पार्वती थीं, वो बहुत उत्सुक थीं उस परम ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते को जानने के लिए, क्योंकि वो शिव को एक अद्भुत जीव के रूप में देखती थीं और वो उनकी ही तरह बनना चाहती थीं। उन्होंने पूछा, कैसे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। शिव ने कहा, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। उनको थोड़ी हिचक हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उन्हें पुचकार आ जाए। मैं उस परम ज्ञान को प्राप्त होना चाहती हूं। शिव ने कहा, आओ और बस आराम से यहां बैठ जाओ। वो बैठ गईं। शिव उन्हें अपने करीब ले आए, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, उनके लिए। वो उन्हें और करीब ले आए, और ज्यादा और ज्यादा, और आहिस्ता से वो शिव का ही एक हिस्सा बन गईं। तो शिव का एक आयाम है जिसे हम अर्धनारी कहते हैं, जहां आधा भाग पुरुष है और आधा नारी। ये तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि That is only by inclusion. It's only by inclusion that life will blossom. समावेश से ही, सिर्फ अपने में शामिल करने से ही ये जीवन खिलेगा। अगर आपको किसी चीज को खुद में शामिल करना है तो आप में खाली जगह होनी चाहिए, है ना? अगर मुझे किसी को खुद का एक हिस्सा बनाना है तो मुझे खुद में से आधा भाग बाहर फेंकना होगा, सिर्फ तभी। इसीलिए अंग्रेजी में इसे फॉलिंग इन लव कहते हैं, प्रेम में उठना नहीं। ठीक है, प्रेम में खड़े होना नहीं, ऊपर चढ़ना नहीं, फॉलिंग इन लव, यानी आप प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि आप जो हैं उसमें से कुछ हिस्से को गिरना होता है। सिर्फ तभी किसी के लिए या किसी चीज के लिए वहां जगह होगी। अगर आपका सब कुछ ढह जाए तो इसमें अपार जगह होगी। आप सारी की सारी सृष्टि को खुद में शामिल कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम अगर आपका कुछ हिस्सा चला जाए तो आप एक और इंसान या सृष्टि के किसी एक और पहलू से प्रेम कर सकते हैं। तो हम आपको खुद को खाली करने के तरीके सिखा सकते हैं। अगर आप में से एक हिस्सा गिर जाए तो वो खाली जगह किसी और चीज द्वारा ले ली जाएगी, और वो चीज जो आप नहीं हैं, जब वो आपका एक हिस्सा बन जाती है, जब आप उसे खुद के एक हिस्से के रूप में अनुभव करने लग जाते हैं, तो वो आपको प्रज्वलित कर देगी। क्योंकि अभी आप जिसे आप मैं समझते हैं वो आप हैं ही नहीं, वो बस विचारों, भावनाओं और पूर्व धारणाओं का एक गट्ठर है ना? वो आप नहीं हैं। तो आप वाकई जो हैं वो अब तक आपके अनुभव में ही नहीं आया है। तो आपको प्रेरित कैसे किया जाए? जब आप अभी हैं ही नहीं तो आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए? आप अभी तक हैं ही नहीं। जो है वो बस विचारों का एक गट्ठर है, विचारों और भावनाओं का एक बादल है, और हर तरह की चीजें हैं, है ना? तो इसीलिए साधना होती है। आपको यहां आकर साधना करनी चाहिए। शुरुआत में किसी को आपको प्रेरित करना पड़ेगा। देखिए, जब आपकी कार स्टार्ट नहीं होती किसी को धक्का लगाना पड़ता है, ओके? एक बार ये चलने लग गई तब हमें इसे धकेलते नहीं रहना पड़ता, तभी अपने आप चलेगी। तो शुरुआत में थोड़ा धक्का लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। हर किसी को थोड़े धक्के की जरूरत पड़ती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो पहले ही स्टेप से खुद को चला सकें। अधिकतर को धक्का लगाना पड़ता है, बीच बीच में एक आध किक यहाँ वहाँ, बाकी वो कर लेंगे।